Hey guys, what's up? Welcome back to my new vlog. So, भाई आज के vlog में हम उठ गए जल्दी सुबह 10:30-11 बजे उठ गए लगभग 10:30 बज गए उठ के, क्योंकि अभी मेरे को सोनी वाला का फोन आया, क्योंकि ना हमसे कल कनेक्शन नहीं हुआ. सोनी के जो हम स्पीकर लेके ना हमसे कनेक्शन हुआ नहीं है, और बीच में कपलर वगैरह काटना था, तो इसलिए हमने भाई पंगा लिया नहीं है. वो आ रहे हैं, वो कपलर कुपलर काट के जैसे करना है उनको कनेक्शन करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई और कपलर मिल जाता है उसकी जगह, या मतलब समझ जाओ, या मेल फीमेल वाले कपलर होते ना वो अगर मिल जाते तो उससे कनेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया है, कपलर नहीं काटना पड़ेगा. नहीं तो फिर काट पीट करके फिर कनेक्शन होएंगे. और टीवी में भी हमसे कनेक्शन होता है, वो सेटिंग शूटिंग करेंगे आकर, तो देखते हैं वो आते तो फिर एक बार आपको दिखाते हैं क्या सीन है. भाई स्पीकर के पीछे का जो कपलर है ना वो काट के अब लगेगा इस साइड, ताकि डायरेक्ट वूफर में लग जाए वो. स्पीकरों के दोनों के कनेक्शन हो गए हैं, अब ना टीवी का कनेक्शन करके देख रहे हैं कि HDMI से होता ही नहीं होता. फाइनली स्पीकर का काम हमारा हो गया, टीवी से भी कनेक्ट हो गया. उन्होंने अपनी HDMI लगा के देखी ना तो उससे चल गया है, हमारी HDMI से चला नहीं था, तो उन्होंने उसके पैसे लिए हैं. बट कोई नहीं यार, जब चीज लगनी है तो लगनी है. तो हमारा टीवी का कनेक्शन हो गया, बाकी अब सामान आ रहा है ना घर पे, दिवाली का टाइम है तो घर पे सामान आ रहा है. मम्मी पीछे पड़ी हुई है, गगन एक चीज इसका पता कर, वो अभी नहीं बताऊंगा, इस व्लॉग में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जब पता करने जाएंगे तब आपको अगले व्लॉग में पता लग जाएगा. तो बाकी अब एक और जरूरी काम है, एक बंदा आ जाए जो मैंने अपने कमरे में दूसरा काम कराना है वो कराते हैं फिर. भाई देखो जो मेन दूसरा काम था ना हमारा वो हो गया. एक मिनट पहले अलेक्सा लाइट चला, नेट ही नहीं चलता, आपको फोन से चलानी पड़ेगी मेरे को. ये ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? अलेक्सा को. ये कह रहा तीन जनों के अलावा कोई खड़ा ही नहीं है. वो बोल रही है, वो देख वो बोल रही है. बोल बोल बोल. जो मेरा दूसरा मेन काम था वो था कि इस दीवार को सही कराना, क्योंकि देखो यहाँ पे कुर्सी है ना, तो कुर्सी के चक्कर में यहाँ से सारा पेंट उखड़ते रहता है. और अब इतने बढ़िया स्पीकर लगवाए हैं तो मम्मी जो है हमें बाबा ये ना बोलने कि गानों की आवाज कम कर लो, ये कम कर लो, वो कम कर लो. तो इसलिए हम कुछ टाइम पहले असला लेके आए थे, अपना ये सामान लेके आए थे, फोम वगैरह. तो ये पूरी दीवार पे और दरवाजे के साइड में लगाएंगे, दरवाजे के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना फिर अगर दरवाजा खुल जाता है तो दरवाजा फिर ढंग से बंद नहीं होता, तो इसलिए झटके मारता रहता है, इसलिए सिर्फ दीवार पे लगवाएंगे. और देखते हैं मैंने दरवाजे के लिए एक और चीज मंगवा रखी है, वो लगाएंगे. इसको लगाने का मेन बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो जो कुर्सी है ना, कुर्सी के जैसे एक तो दीवार पे निशान नहीं पड़ेगा, बाबा पेंट कराने की लोड नहीं पड़ेगी. और दूसरी चीज जो है ना, मेरा कमरा पहले थोड़ा सा साउंड प्रूफ है, ज्यादा नहीं है. जितना करण का सारा काम कराने के बाद साउंड प्रूफ है ना, सारी फोम पूरे चारों ओर लगवाने के बाद साउंड प्रूफ है मेरा, उतना साउंड प्रूफ पहले से ही है. तो ये लगाने के बाद थोड़ा और हो जाएगा. भाई ये देखो, ये फॉर्म हम लेके आए थे ना, तो उन्होंने साथ में ये फेविकॉल भी दी थी. फेविकॉल कहते हैं या बोन बून जो भी कहते हैं, तो इससे चिपकाएंगे हम साथ में. बाकी बीच में ना मैं सोच रहा था कि जैसे स्टार लाइट होती है ना, एकदम रूफ टॉप पे स्टार लाइट लगती है, तो बीच बीच में स्टार लाइट लगा देता, बट उसमें मेहनत बहुत लगती है यार, उसमें टाइम काफी लग देता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रह नहीं देते. अभी हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट दीवार पे, अगर चिपक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे पहले प्लाई लगानी पड़ेगी, फिर जाके चिपकेगा. भाई पहले ना मैं बड़ा खुराफाती होता था जब हमारे घर में लकड़ का काम होता ना, 10-11 साल पहले जब, ये तब से हमारे पास बंदे सारे एक ही जैसे सेम बंदे लगे हुए हैं, चाहे पेंट वाला बंदा ले लो, चाहे लकड़ वाला बंदा ले लो, चाहे बिजली वाला बंदा ले लो. पिछले 10-11 साल नहीं, पिछले 20 साल से ही सेम बंदे हैं. तो हमारा लकड़ का काम होता तब मैं चढ़ गया छत पे जहाँ पे काम हो रहा था सारा, और मैं मजे मजे में भाई घूम रहा हूँ सारी चीजें ऐसे ना, अपना कोई ना कोई खुराफाती चीज करने में लगा हूँ. और वहां पे पड़ी थी पेज पड़े थे, हाँ पेज पड़े थे भाई, पेज एकदम खड़ा सीधा मेरे पैर में नीचे से अंदर घुस गया, और वो ऐसे निकल भी नहीं सकता क्योंकि पेज अकील और निकल जाती. पेज आराम से गोल गोल जैसे पेज कुछ दीवार में से निकालता था, गोल गोल घुमा के वैसे निकाला था मेरे पैर से. ये मैं सोच रहा हूँ कि साथ में ना ये लाइटें वगैरह भी लगवा लूँ, क्योंकि कमरे में ना मेरे रोशनी कम है, तो ये लाइटें लगा लेंगे ना, ये RGB लाइट, अलग अलग कलर की लाइट्स हैं, तो ये लगा के थोड़ी रोशनी जो है चानन जो है कमरे में बढ़ जाएगा. लगभग नीचे तो लग गए हैं, बस अब थोड़ा सा ऊपर में और उस साइड पे लगना बाकी, क्योंकि उधर देख के कटिंग वगैरह करके लगाना पड़ता ना, क्योंकि पूरा वो बना हुआ उधर से देख के करना पड़ता है. हाँ जी, तो फाइनली सारा काम हो गया, देखो पूरी दीवार पे लग गया है, और हमने बस AC के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि ना AC का जो ब्लोअर है उसको कहीं ना कहीं से हवा लेना होता है, नीचे से हल्का सा छोड़ दिया, साइड से छोड़ दिया और ऊपर से छोड़ दिया, ताकि जो ब्लोअर है वो आराम से हवा ले ले और कमरे को ठंडा कर दे. बाकी फटाफट से कमरे की सफाई करते हैं, क्योंकि देखो गंद, देखो भाई कमरे में गंद, देखो गंद इतना ज्यादा हो रखा ना, फटाफट से कमरे की सफाई करते हैं और नहाते हैं, क्योंकि मैं सुबह का नहाया नहीं हूँ. हाँ जी, तो फाइनली कमरा हमारा पूरा तैयार हो गया. एक बार आपको ना ओवरऑल लुक दे तो मैं, ये देखो कैसा सा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग, मेरे को तो यार देखो बढ़िया लग रहा है. मम्मी तो गालियां दे रही कि क्या कमरे का हाल कर दिया है तुमने, घर में कमरे कम स्टूडियो ज्यादा बना रखा है, लेकिन अब क्या करें यार.
जो चीज अच्छी लगती है हम कर देनी चाहिए ना। हम कहते हैं मम्मी देखो आपको अपने कमरे में जो करना है वो करो, हमें जो करना है अपने कमरे में वो करेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दी है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ना स्पीकरों का जुगाड़ हमने करा हुआ था, तो ना यहीं से इसकी जो तार है यहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पे हमने लाइट तो लगा दी है, बट एक दिक्कत हो गई है, इसका रिमोट नहीं मिल रहा मेरे को कि इसको कंट्रोल किससे करूंगा, अब इसका रिमोट भी ढूंढना पड़ेगा मेरे को। और जो एक और चीज मैं कहता ना कि मैंने एक और चीज मंगा रखी है जो मैं इसके क्या कहते हैं इसके नीचे लगाऊंगा यार, क्या कहते हैं इसको, गेट, हाँ गेट के नीचे लगाऊंगा, तो वो है ये देखो पूरा एक आता है, एक लंबा सा आता है, ये आपके गेट के साइज के अकॉर्डिंग कट जाएगा और पूरे गेट के नीचे फंस जाता है ये ना। वो बंदे भी स्पेशली ले सकते हैं जिनके घर में चूहे बहुत आते हैं ना, तो ये गेट के नीचे लगा दो, इससे चूहे अंदर नहीं आएंगे। ये तो मेरे को अभी फोन आया करण का कि ना वो कॉफी पीने गया, और मेरा भी मन कर रहा है कॉफी पीने का, भूख भी लगे, सुबह का कुछ खाया नहीं हुआ, एज ऑलवेज बस सुबह का ना मैंने क्या कहते हैं अपना बनाना शेक किया था, और फटाफट से करण के पास चलते हैं, वहां से कॉफी लेते हैं, कुछ खाने के लिए भी देखते हैं। क्या हाल है भाई, और ऐसे नहीं भिड़ता, ऐप पारी होती है ना तब भिड़ता है, हमारे पीछे पीछे आ गया तू, तो मैंने आना ही था यार, तो होने तो रात को जाना नहीं है, हो जाएंगे हमें तो मिनट लगता है तैयार होने में यार, हम सेक्सी मुंडे, हम तैयार हुए ना हुए फिर भी सेक्सी लगते हैं भाई। कॉफी तो मैंने पी ली, साथ में मोमोज भी खा लेंगे क्योंकि भूख बड़ी ज्यादा लगी थी, करंट निकल गया गाड़ी में और मैं जा रहा हूँ बोल्ट पे, घर जाके तैयार भी होना, पता नहीं कह रहा है कहीं जाना है, तो घर चलते हैं फटाफट। तो करण घर पे आ गया है, तो एक बार ना इससे पूछते हैं कि हमारा कमरा कैसे लगता है, इसने अभी तक हमारा कमरा देखा नहीं है, ये देखो भाई अच्छा लग रहा है, मैं मेरे जैसे लग रहा है, तेरे जैसे, तेरा चारों तरफ से कवर है ना, मेरा मेरे कमरे में हम ये लगवाया ना हमने, तो इसका एक फायदा है करण का, अब टोटल जितना साउंड प्रूफ हो रखा है, मेरा पहले इतना था, अब मेरा और ज्यादा हो गया यार। देखो वैसे हमारा मेन घर का जो काम है ना थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन हमें थोड़ी बहुत चीजें और लेके आनी, जैसे कि फॉल सीलिंग वाली जो लाइट है ना हमारी, ये भी पिछले 10-11 साल से लगी थी, एक बार जलाना जरा वो देखो, जलती ही नहीं भाई, आपको हल्की सी नीली नीली दिख रही है कि बस इसकी आधी बत्तियां तो बुझ गई हैं, और ये लाइट भी 10-11 साल से लगी हुई है, मैं तो ये हैरान हूँ, चाइना का माल है, काट गया इतना भाई, वो कहते हैं ना चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, मतलब वही है यार, ये बस अब ना खत्म होगी ये धीरे धीरे लाइटें, तो हमने कहा जाना लाइटें लेने, कौन सी जगह है वो, लाजपत राय मार्केट, वहाँ पे जाना है हमने, लाजपत नगर नहीं, लाजपत नगर नहीं, लाजपत राय मार्केट जाना है, तो ये वाली जो लाइटें हैं फॉल सीलिंग की, ये क्या नहीं है, कल लड़िया निकलवा दी सारी, चेक करानी है सारी, हाँ सारी, एक बार जो लड़िया पड़ी है ना वो भी चेक कर लेगी कौन सी ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना असला निकालूंगा, मेरे पास असला है लड़िया को ठीक करने का, वो ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो मार्केट हमने जाना ही है, वहां से ये वाली लाइटें भी लेके आनी है और जो लड़ियां लेके आने वो भी ले आएंगे। पर यार अगर आपको कोई चीजें पता ना कि रूम को डेकोरेट करने के लिए या फिर अपने टेबल को डेकोरेट करने के लिए, वो कमेंटों में जरूर बताना, क्योंकि ना मेरा बड़ा मन है, मेरे को ना डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, अपने ना कमरे को सजाना अच्छा लगाना, मतलब कि प्यारा लगे, लाइटिंग वगैरह कमरे की अच्छी हो, कमरे को देखना तो लगे कि हाँ कुछ है इस कमरे में, तो ऐसी चीजें अगर कुछ आपको पता है तो कमेंटों में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं अपने नए कमरे से खत्म, मतलब कमरा पुराना लेकिन इसको नया बना दिया हमने, तो आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना भूलना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।